तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से अपने किसी भी एंड्रॉइड की वर्चुअल एंड्रॉइड को रूट कर सकते हैं इन 2024 विद इन 3 to 4 मिनट। जी हां दोस्तों, आपको बहुत इजी स्टेप बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड के किसी भी वर्चुअल एंड्रॉइड को रूट कर सकते हैं, चाहे आपके पास वीमोस प्रो हो या फिर वर्चुअल मास्टर हो। दोस्तों जो भी आपके पास वर्चुअल एंड्रॉइड है उसको बहुत ही आसानी से रूट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको कुछ इस प्रकार से दिखा दिया मेरे डिवाइस में। दोस्तों वर्चुअल मास्टर, ये जो कि वर्चुअल एंड्रॉइड आता है दोस्तों, वो यहाँ पर मेरे डिवाइस में इंस्टॉल है। सिंपली से दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि मेरे डिवाइस में दोस्तों ये जो वर्चुअल एंड्रॉइड इंस्टॉल है वो नॉन रूटेड है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट रोम पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर से मैं जो नेसेसरी सेटअप होते हैं दोस्तों किसी भी वर्चुअल एंड्रॉइड को ओपन करने के लिए, वो सेटअप मैं यहाँ पर से कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन कंप्लीट पर क्लिक करूँगा। कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्ट वीएम पे मैं क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट वीएम पे जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों मेरा डिवाइस यहां पर से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना इसके कंप्लीट बूट होने तक। आप देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली मेरे डिवाइस में ये जो वर्चुअल मास्टर है वो बूट हो चुका है। यहां पर से दोस्तों डायरेक्टली मैं यहां पर से ऐड ऐप्स में जाऊंगा। ऐड ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं रूट चेकर को दोस्तों अपने डिवाइस में इंपोर्ट करा देता हूं, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए दोस्तों कि मेरा जो ये वर्चुअल एंड्रॉइड है वो यहां पर से अभी नॉन रूटेड है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं रूट चेकर बेसिक को यहां पर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो चुका है। अब दोस्तों रूट चेकर को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं रूट चेकर, देन यहां पर से आप देख सकते हैं एग्री पे मैं क्लिक करूंगा, वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, नॉन रूटेड। जी हां दोस्तों, सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, मेरे को शो कर रहा है। तो इसको दोस्तों मैं आपके सामने रूट करके दिखाऊंगा। तो रूट करने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको अगेन अपने जो मेन डिवाइसेस में बैक आ जानी है। मैं शट डाउन कर लेता हूं दोस्तों इस वर्चुअल रोम को। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको शट डाउन करेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने मेन डिवाइस में चले आएंगे। मेन डिवाइस में आने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली से अपने डिवाइस का गूगल आपको ओपन कर लेना है। जी हां दोस्तों, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। यहां पर दोस्तों गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है मैजिस्क APK डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, मैजिस्क APK डाउनलोड आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट दोस्तों मैजिस्क मैनेजर की ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों डाउनलोड मैजिस्क ऐप करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग मैजिस्क ऐप करके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर से आपको अगेन थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके कंप्लीट डाउनलोडिंग होने तक। जैसे दोस्तों आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन कर देना। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले आना है अपने ऐप इंस्टॉल APK वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको वो मैजिस्क मैनेजर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को दोस्तों सिंपली से क्लिक करके आपको कर लेना है अपने डिवाइस में इंस्टॉल। इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों मेरे डिवाइस में ये देखिए मैजिस्क मैनेजर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों डायरेक्टली आपको जो वर्चुअल रोम है दोस्तों उसको अगेन ओपन कर लेना है। अभी दोस्तों मैजिस्क आपको मेन डिवाइस में ओपन नहीं करना है, आपको सिंपली से अपना जो वर्चुअल रोम है वर्चुअल मास्टर दोस्तों उसको स्टार्ट VM पे क्लिक कर देते हैं। अगेन दोस्तों आपका जो वर्चुअल मास्टर है यहाँ पर से बूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगेन दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है इसके कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस होने तक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा डिवाइस में ये बूट हो चुका है। अब दोस्तों डायरेक्टली आपको अगेन चले जाना है, देन यहाँ पर से दोस्तों ऐड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना जो मैजिस्क मैनेजर एप्लीकेशन है दोस्तों उसको इंपोर्ट पर करा देना है क्लिक। इंपोर्ट आप जैसे कराएंगे दोस्तों मैजिस्क को आपका डिवाइस रीस्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो वर्चुअल मास्टर है वर्चुअल एंड्रॉइड दोस्तों वो यहां पर से रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर से अगेन आपको थोड़ा सा वेट कर लेना दोस्तों इसके कंप्लीट रीस्टार्ट होने तक। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रीस्टार्ट भी हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, मैजिस्क ओपन करता हूँ और आपको रूट चेकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे डिवाइस में ये देखिए मैजिस्क इंस्टॉल हो चुका है। मैजिस्क मैं ओपन करूँगा। मैजिस्क ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली से सुपर यूज़र में चले आना है और दोस्तों रूट चेकर को यहाँ पर से परमिशन दे देनी है। क्लिक करके परमिशन देंगे, देन आप दोस्तों अपना रूट चेकर एप्लीकेशन कर देंगे ओपन। ओपन करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली रूटेड। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन करके आ चुका। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने किसी भी वर्चुअल एंड्रॉइड को रूट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो कैसा लगा वीडियो नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।